नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल लाइफ ओके पर। आज मैं नवरात्रा में एक और आज आपको उपाय बताने जा रहा हूं। ये न किन प्राप्ते लक्ष्मी प्राप्ते, कहने का मतलब किसी न किसी तरीके से जो जो मैं आपको ये नवरात्र के अंदर उपाय बताने जा रहा हूँ वो आपको अवश्य ही संपन्न करना। जो आपको सरल उपाय लगे वो भी आप संपन्न कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोई भी घर में शुभ कार्य के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी बाधा हो, कोई भी कुछ भी समस्या हो, आप मेरे से फोन पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9602998489, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर बोलता हूँ, 9602998489, ये है मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि के अंदर अपने को क्या करें कि उससे अपने को लक्ष्मी की प्राप्ति हो या अपनी मनोकामना पूर्ण हो। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आज मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ कि सबसे पहले अपने को जो है 11 कौड़ियाँ लेनी है, 11 कौड़ियाँ जो बाजार में आसानी से मिल जाती है, और 3 गोमती चक्र, 3 गोमती चक्र लें। जिस दिन अपने नवरात्रा में घट स्थापना की है उसी दिन जो है उन कौड़ियों के ऊपर हल्दी का तिलक करें, हल्दी का तिलक करें, गोमती चक्र के ऊपर भी हल्दी का तिलक करें। और हल्दी का तिलक करने के बाद उनको जो है आप एक लाल कपड़े में रखकर माँ के सामने आप रख दीजिए। 9 दिन तक वो वहीं पर रहने दीजिए। 9वें दिन जब आप माँ की पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, हवन करते हैं या होमाष्टमी को आप हवन वगैरह करते हैं, उसके बाद उस कपड़े को है लपेट लीजिए। लपेट करके उसके ऊपर मौली बांध दीजिए। मौली बांधने के बाद जो अपना रसोई स्थान है, रसोई घर है, जहां अपन अन्नपूर्णा की जाती है, वहां पर बोले जहां अपना रसोई स्थान है वहां पर है ऊंचे स्थान पर टांग दीजिए। रसोई के सेंटर में भी आप टांग सकते हैं, कोई भी सुरक्षित स्थान हो वहां पर आप है टांग दीजिए। करीबन करीबन 1.25 महीना तक उसको रहने दीजिए, 1.25 महीने तक रहने देना है ताकि अपने घर में अन्न का भंडार भरा रहे और लक्ष्मी भी कभी भी कमी ना आए। और उसके बाद 1.25 महीने के बाद उसको अपन विसर्जन भी कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको उपाय बताया है ये आप नवरात्रि के अंदर अवश्य ही संपन्न कीजिएगा। दूसरा उपाय एक और आपको बताता हूं, हो सके तो नवरात्रा में है आप एक 9 पान के पत्ते ला दीजिए। 9 पान के पत्ते लाना है और रोजाना एक पत्ते के अंदर 11 गुलाब की पंखुड़ियां रखें। पान का पत्ता लिया, उसके ऊपर 11 गुलाब की पंखुड़ियां लिया, उसको वापस समेट लिया, समेट करके उसके ऊपर है लौंग से वो बंद कर दिया, बंद करके वो है माँ को अर्पण कीजिए। 9 दिन तक ये आपको रोजाना करना है। ये भी जो मैंने आपको उपाय बताया ये भी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही सरल एवं सटीक उपाय है। मैं जानता हूं कि कई लोग मंत्र नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, उनको कभी मंत्रोच्चार सही नहीं होता है, इस कारण से मैं आपको ये सरल उपाय बता रहा हूं। ये आपको अवश्य ही संपन्न करना है। हो सके तो घर में आपके जो बच्चों की कुंडली है, यदि आपकी कुंडली नहीं है तो बच्चों की कुंडली है, आप मुझे दिखा सकते हैं क्या है क्या नहीं है, मैं आपको पूर्ण तरीके से आपको उपाय बताऊंगा। आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो मैंने आपको ये नवरात्रि में प्रयोग बताए हैं ये आप जरूर अवश्य ही अपनी पत्नी अर्धांगिनी के साथ आपको जो है संपन्न करना है। और खास बात एक बात आपको और बताता हूँ कि नवरात्रा के अंदर आपको क्या करना चाहिए। नवरात्रा के अंदर एक तो सर्वप्रथम अपने को शेविंग वगैरह नहीं करना चाहिए, बाल वगैरह कटवाना ये बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए आपको। उसके बाद यदि स्त्री स्त्री धर्म में हुई हुई है तो उसके पास भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए, उसकी छायाएं मंदिर तक भी नहीं पड़नी चाहिए, मंदिर के ऊपर भी नहीं करनी चाहिए, और उसको पूजन स्थान में जाने का कोई अधिकार नहीं, उसको पूजन स्थान में नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जो है आप जो तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं नवरात्रि के अंदर वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं तो घर के अंदर आपको दरिद्रता आ सकती है। मेरे हिसाब से 9 दिन तक आपको पूर्ण रूप से सन्यासी जीवन व्यतीत करना है। इसी से ही आपके घर में माँ लक्ष्मी की आवक होगी, माँ नवरात्रि माँ जगदम्बा आपके घर पर साक्षात विराजमान होंगी। यही हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। इसी के साथ ही मैं आपको आज पूर्ण रूप से माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मैं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली आप सभी के सुखी होने की आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।
और मैं आपको यही कहूंगा, जो मैंने कहा है उसके अनुसरण करें और उसका पालन करें, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ ही मैं अपनी बोली को विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।